अभिनंदन के बदले पाक को चाहिए नोबेल। दिन में तारे देख रहा है पाकिस्तान, शांति की नहीं नोबेल की पड़ी है। पाकिस्तान असेंबली में प्रस्ताव पेश। आपने कहावत तो सुनी होगी, अपने मुंह मियां मिठू। ये कहावत पाकिस्तान पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान की पोल भारतीय पायलट अभिनंदन के भारत लौटने के 24 घंटे के भीतर ही खुल गई। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि अभिनंदन को लौटाने का मकसद शांति का संदेश देना नहीं था, बल्कि उसके पीछे की रणनीति कुछ और थी। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि उसके प्रधानमंत्री इमरान खान को इस पहल के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए। विंग कमांडर अभिनंदन को भारत भेजने के बाद पाकिस्तान इस मामले को भुनाने में लगा है। पाकिस्तानी सांसद और राजनीति से जुड़े लोग मांग कर रहे हैं कि कमांडर अभिनंदन को भारत भेजकर तनाव कम करने का काम किया गया है। इस पहल के जरिए इमरान खान को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए, इसके लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही पाकिस्तान में ऑनलाइन याचिकाएं भी डाली जा रही हैं। कोई भी सॉवरेन मुल्क इजाजत नहीं देता अपने मुल्क में किसी तरह का अटैक, लेकिन हमने बार बार फिर ये कहा उनको कि आप हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दें। अब आज पहुंचा है डॉसियर हिंदुस्तान का, आज उन्होंने पुलवामा के ऊपर डॉसियर भेजा है, लेकिन आज वो डॉसियर भेजा है और दो दिन पहले पाकिस्तान पे अटैक भी कर दिया। बात अब ये है कि पाकिस्तान के पीएम को नोबेल पुरस्कार चाहिए, वो भी शांति का नोबेल, इसलिए क्योंकि पाक जैश ए मोहम्मद को बचा रहा है, जिसने भारत में सैकड़ों आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। नोबेल इसलिए कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा है। नोबेल इसलिए कि लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज सईद भी पाकिस्तान की शरण में है। नोबेल इसलिए भी कि उसकी खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देती है। नोबेल इसलिए भी क्योंकि पाक सेना हर रोज LOC पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करती है। क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास, हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? पाकिस्तान को समझना चाहिए कि जिस देश में दाऊद, मसूद और हाफिज जैसे मोस्ट वांटेड आतंकी पनाह लेते हैं, उसके PM को शांति का नोबेल देने का प्रस्ताव संसद में पेश कर दिन में तारे देखने जैसा है। अगर इमरान खान सही मायने में शांति चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें भारत के दोषियों को भारत के हवाले करना होगा और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को भारत में बढ़ावा देना बंद करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।